पाकिस्तानी कंपनी सीमेक्स मैरीन सर्विसेज ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को बहुत कम लोग कर रहे थे। सीमेक्स ने 48 दिन तक रेत में फंसे रहने वाले जहाज को न सिर्फ कामयाबी से निकाला बल्कि कामयाबी से इसका अंडर वाटर इंस्पेक्शन भी किया। अंडर वाटर इंस्पेक्शन से कबल सीमेक्स कंपनी के अहदेदार मिठाई लेकर जहाज पर गए और कप्तान समेत दीगर अमले से मुलाकात की। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मंजर जहाज के अंदर का है और ये हैं जहाज के कप्तान उमर। इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है। जहाज के अमले ने सीमेक्स कंपनी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उन्होंने जहाज को रेत से और कप्तान को मायूसियों के अंधेरे से निकाला। जब तक जहाज फंसा रहा यही कहा जाता रहा कि पाकिस्तान के पास ये जहाज निकालने की सलाहियत नहीं है और बाहर से किसी कंपनी को हायर किया जाएगा, मगर सीमेक्स के माहिरीन ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस कामयाबी की खुशी में 11 सितंबर को सीमेक्स के स्टाफ के एजाज में एक तकरीब रखी गई जिसमें इनकी कारकर्दगी और जहाज निकालने के लिए इनकी अनथक जिद्दोजहद को सराहा गया। तकरीब से सीमेक्स के डायरेक्टर आरिफ शेख ने भी खिताब किया। बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग हमें मिल के इजाजत दी जो अचीवमेंट दी है। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा काम हुआ है जो अपने पूरी दुनिया पाकिस्तान सब लोग अपने और मीडिया में विश्वास वायरल भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है और हमारी पूरी टीम एफर्ट सही है, हर बंदे की एफर्ट सही है इसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त एफर्ट रही है। स्पेशली हमारे माइकिंग ने जो काम किया हुआ है, जो हर बंदे ने बहुत एफर्ट की है, ज़ियारत गुल ने अच्छी खासी वेल्डिंग की है, दिन रात गुजारा है उसके ऊपर और हर बंदे ने बहुत कुछ की है। हमारे हनीफ साहब ने भी काफी बैकग्राउंड में काम किया हुआ है, और हमारे टीम का हिस्सा बने और सालिक साहब हमारे साथ दिन रात रहे वहाँ पे, हमारे साथ काम करते रहे जो एमपीसीडी के हैं, ब्लाइंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के, जो पूरे 48 दिन हमने गुजारे वहाँ पे और जितने लोग हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने अपने पैसा के साथ रहे, हर बंदे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बेहतरीन काम किया, आउटस्टैंडिंग सब लोग रहे और ये हम सब डेडिकेट करते हैं इस इवेंट को इमरान फारूक साहब के नाम पे। अल्लाह उनके दर्जा बुलंद करें और हर चीज में आसानी अता फरमाए और ये हमारे तरफ से उनके लिए ये है, उनकी रूह इंशाल्लाह बहुत खुश होगी।